आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फोटोग्राफ या तस्वीर बनती कैसे है। कोई भी कैमरा हो, भले ही छोटा या बड़ा, उसके दो हिस्से होते हैं, एक लेंस और एक कैमरा बॉडी। लेंस में एक छोटा सा छेद होता है या ओपनिंग होती है, जिसे अपर्चर कहा जाता है, और बॉडी में एक पर्दे जैसा हिस्सा होता है जिसे शटर कहते हैं। अब होता यूं है कि जब हम फोटो लेने के लिए बटन दबाते हैं तो अपर्चर के जरिए, इस छेद के जरिए कैमरे में लाइट दाखिल होती है, शटर पल भर के लिए खुलता है और फोटो कैमरे में कैद हो जाती है। अगर कैमरे में जाने वाली लाइट ज़्यादा है तो फोटो ब्राइट या ओवर एक्सपोज्ड होगी, और अगर कैमरे में जाने वाली लाइट कम है तो फोटो बहुत डार्क या अंडर एक्सपोज्ड होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कैमरे में जो लाइट जा रही है वो एकदम सही हो, ज़्यादा या कम ना हो। ये कैसे करेंगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, और याद रखिएगा प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।